हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में हमारी नेक्स्ट टर्म, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर बात करें स्टूडेंट मेटल के केस में, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के साथ लूजली बाउंड होते हैं। कैसे बाउंड होते हैं? लूजली बाउंड होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट फ्री, वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। थर्मल एनर्जी की वजह से वो मेटल ब्लॉक के विदिन क्या होते हैं? रैंडम मोशन में होते हैं, जिगजैग मोशन में होते हैं। बट वो इतने एबल नहीं होते स्टूडेंट कि वो मेटल के सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाए, कि वो मेटल के सरफेस को छोड़ के क्या हो सकते हैं? आउटसाइड चले जाएँ। दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो हमने बात किया वो बात किया स्टूडेंट कि मेटल की जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, दे आर लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियाई, वो न्यूक्लियर के साथ लूजली बाउंड होते हैं। दे आर ऑलमोस्ट फ्री एंड फ्री टू मूव विद इन द मेटल, वो मेटल के विद इन। जैसे हमने ये ब्लॉक शो किया है, इसमें हमने ये न्यूक्लियाई शो किए हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन शो किए हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है विद इन द मेटल ब्लॉक, वो थर्मल एनर्जी की वजह से रेंडमली मूव कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली मोशन में होते हैं। बट नॉट एबल टू लीव द सरफेस ऑफ मेटल, बट इतने एबल नहीं है कि ये इस मेटल सरफेस को छोड़कर चले जाएं, स्किप आउट हो जाएं इस सरफेस से। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल सरफेस को छोड़कर नहीं जा सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट? अगर हम बात करें एक एटॉमिक न्यूक्लियाई की, जिसमें हमने ये शो किया न्यूक्लियस, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है इस न्यूक्लियाई के अराउंड, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में, डिफरेंट सेल्स में क्या करते हैं? ऑर्बिटिंग करते हैं, कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं? ऑर्बिटिंग करते हैं। जैसे हमें पता है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड सेल में अगर टोटल काउंट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो है काउंट होते हैं। इस सेल में अगर मैं लास्ट सेल काउंट करूँ तो मान लो इसमें मैं कंसिडर कर रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया थर्ड सेल में। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियाई के साथ लूजली बाउंड है। कैसे बाउंड है? लूजली बाउंड है। बट ऐसा नहीं है कि ये इस एटॉमिक न्यूक्लियाई को छोड़ के बाहर स्किप आउट हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी जो है वो बाइंड किए हुए है विद न्यूक्लियस, एक एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ एक एनर्जी जो इसको बाइंड किए हुए है, बांधे हुए है। तो एक एटॉमिक न्यूक्लियाई में ऐसा हुआ तो मेटल ब्लॉक में जितने भी न्यूक्लियाई होंगे वो सभी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को, कौन से इलेक्ट्रॉन को? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, बाउंड किए हुए हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस को छोड़ के नहीं जा सकते, वो मेटल सरफेस के विद इन बाउंडेड होंगे, बट थर्मल एनर्जी की वजह से रेंडम मोशन में होंगे। जैसे हमने डिस्कस किया स्टूडेंट कि ये मेटल ब्लॉक जो है, जो इससे हमने फ्री इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, ये मेटल के सरफेस को छोड़ के नहीं जा सकते। बट अगर हम चाहते हैं स्टूडेंट कि एक इलेक्ट्रॉन जो है हमने इससे फ्री करवाना है, एक इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से इजेक्ट आउट करना है, तो क्या करना होगा? कि जैसे हमने ये एटॉमिक न्यूक्लियाई कंसिडर किया, ये फर्स्ट सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने काउंट किए, ये सेकेंड सेल जिसमें हम कहते हैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8, फर्स्ट में 2, सेकेंड सेल में 8। ये हमने थर्ड सेल काउंट की, थर्ड सेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर किया। अब एक एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ बाउंड किए हुए है, मान लो वो जो एनर्जी है वो हमने काउंट की 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ बाउंड है। कितनी एनर्जी के साथ बाउंड है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ बाउंड है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एटॉमिक माइक्रो लेवल पर जाकर एनर्जी की यूनिट जो है हम यूज करते हैं। अब हम एक्सटर्नल सोर्स से किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और वो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या प्रोवाइड करते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है स्टूडेंट, हमने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी। अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियाई से फ्री करवाने में, अनबाउंड करवाने में। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया स्टूडेंट? फ्री हो गया। अब रही 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ यूटिलाइज होगी, तो जो बची 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। क्या कर लेगा? काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। मीन्स हमने क्या डिस्कस किया कि अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी प्रोवाइड की,
मान लो इस मेटल ब्लॉक में एक एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ बाउंड है, और जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की वो क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट होती है, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट होती है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूटिलाइज हो जाती है इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने में, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करके मेटल सरफेस को छोड़ देता है। क्या करता है? मेटल सरफेस को छोड़ देता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से आई है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से आई है। ठीक है, अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मान लिया हमने इलेक्ट्रॉन को हमने 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक न्यूक्लियस से फ्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एनर्जी इसको बाउंड किए हुए है, जो बांधे हुए हैं, वो ज्यादा है और ये एनर्जी कम है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर इस एटॉमिक न्यूक्लियस से फ्री करवाना है तो कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जाकर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। तो यहां जो ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है क्या करवाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को एक एटॉमिक न्यूक्लियस से फ्री करवाने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को काउंट करते हैं स्टूडेंट वर्क फंक्शन। क्या काउंट करते हैं? वर्क फंक्शन। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट अ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ अ गिवन मेटल। एक गिवन मेटल के एटॉमिक न्यूक्लियाई से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाएगी? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को शो किया जाता है स्टूडेंट फाई से। किसे शो किया जाता है? फाई से। और केमिस्ट्री में से हम स्टडी करते हैं एज एन आयोनाइजेशन एनर्जी। अब डिफरेंट मेटल के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग एनर्जी के साथ बाउंड होता है न्यूक्लियाई के साथ, एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ। तो इट मीन्स अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वर्क फंक्शन को हम शो करते हैं, वर्क फंक्शन को शो किया जाएगा स्टूडेंट किससे? पाई से। अब वर्क फंक्शन जो क्या है? एनर्जी। क्या है? एनर्जी। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर करें सीजियम की, किसकी? सीजियम की बात करें तो सीजियम के लिए जो फाई की वैल्यू होती है वो होती है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर बात करें प्लेटिनम के लिए तो उसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू होगी 5 इज़ इक्वल टू 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो सीजियम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू लोवेस्ट होती है, और जो प्लेटिनम है उसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? ये वर्क फंक्शन जो हम सीजियम की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर मान लिया ये मेटल ब्लॉक जो है हम कंसिडर कर रहे हैं, ये हमने कंसिडर किया सीजियम का। किसका कंसिडर किया? सीजियम का कंसिडर किया। ये हम एटॉमिक न्यूक्लियाई शो कर रहे हैं, और ये हमने शो किए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमने प्रोवाइड की 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी प्रोवाइड की? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ग्रेटर देन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है सीजियम न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। इलेक्ट्रॉन जो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करके मेटल सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जैसे नाम से ही मेंशन है, एमिशन होगा किनका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, किसकी हेल्प से, फोटोन की हेल्प से. फोटो स्टैंड फॉर व्हाट, फोटॉन्स, जो यहाँ फोटो है वो किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं, फोटॉन्स के लिए स्टैंड कर रहे हैं, लाइट एनर्जी के लिए स्टैंड कर रहे हैं. तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जैसे एक मेटल सीट जो हम कंसीडर करते हैं, से हमने जो मेटल सीट कंसीडर की से एक्स, जिसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू होगी, कोई मेटल सीट हमने कंसीडर की, वर्क फंक्शन की वैल्यू होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसमें हमने ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो हमने मेटल के लिए शो किए, अब इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ फोटोन लाइट एनर्जी जो क्या करती है, इंट्रैक्ट करती है. फोटोन द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन इज गिवन बाय व्हाट, इज इक्वल टू एच न्यू. तो ये एनर्जी जो है, ये फोटोन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. इस एनर्जी का कुछ पार्ट इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से फ्री करवाने में यूटिलाइज होगा और रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होगा इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में. क्या प्रोवाइड करने में, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में. मान लो स्टूडेंट जो हमने फोटोन इंसिडेंट किए हैं उनकी एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है यूटिलाइज हो जाती है इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियाई से फ्री करवाने के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या गेन कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है. तो जो ये प्रोसेस है स्टूडेंट, कौन सी प्रोसेस, जिसमें एक गिवन मेटल सरफेस पर हम पार्टिकुलर एनर्जी की लाइट एनर्जी, पार्टिकुलर एनर्जी के फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं और वो फोटोन जो है इस मेटल सीट से इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, एमिशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करते हैं. इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. अगर बाय डेफिनेशन अगर बात करें स्टूडेंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ गिवन मेटल व्हेन द रेडिएशन व्हेन द रेडिएशंस ऑफ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी अलाउ टू फॉल ऑन इट. या हमने फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्यों यूज की स्टूडेंट, क्योंकि रेडिएशन में जो फोटॉन्स होंगे उनकी एनर्जी डिटरमाइन की जाती है किसी फ्रीक्वेंसी से. एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन जो है स्टूडेंट मेटल की सीट पर हम इंसिडेंट करवाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और फ्री होने के बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा. अगर ये एनर्जी जो है स्टूडेंट इंसिडेंट फोटोन की कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है एमिट आउट नहीं होगा.